हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो त्योहारों का मौसम है तो मैंने सोचा कुछ मीठा बनाते हैं, तो इसीलिए आज मैंने बनाई है सूजी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई, जो कि झटपट से बन जाती है, बहुत ही आसान है बनाना। तो आप इस त्योहारों के सीज़न में इसे ज़रूर बनाइएगा और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस बहुत ही अच्छी सी मिठाई को बनाने के लिए हमको चाहिए सूजी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी सूजी ली हुई है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक या फिर मोटी। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी सूजी ली है जिसे कि मैंने कढ़ाई में डाल दी है। इसे हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पर भूनना है और हमें सूजी का कलर नहीं चेंज करना है, एकदम हल्का सा हमें इसे रोस्ट कर लेना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए, और इसे लगातार चलाते रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर चेंज नहीं हुआ है इसका, और मैंने लगभग इसे 4 मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे एक कटोरी सूजी ली थी तो हमें उसका 2 गुना दूध डालना है, यानी कि 2 कटोरी हम यहाँ पे दूध डालेंगे। तो आप जितनी भी सूजी लीजिए उसका 2 गुना आपको दूध डालना है, और दूध आप ठंडा या गर्म कोई सा भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दूध डाला, चलाया, उसके बाद में 1 कटोरी दूध और डाल देते हैं, और इसे हमें एकदम बढ़िया डो के फॉर्म में लाना है। तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसे आप कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा वरना फिर ये चिपक जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो ये एकदम बढ़िया से हमारा जो सूजी है फूल करके अपने आप में इसने दूध को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब तक सूजी ठंडी हो रही है हम चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 ग्लास के करीब पानी डाला है, और 1 कटोरी यहाँ पे मैंने चीनी ली हुई है। तो हमने जितना पानी लिया था उसी के बराबर में चीनी ली हुई है, और इसमें हम थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल देंगे। 3-4 इलायची का पाउडर मैंने डाला हुआ है, उसके दाने को कूट के डाल दिया है। इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे हमको 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। हमें इसके कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इसे हल्का सा चिपचिपा होने तक पका लेना है। तो हम ये इसे छोड़ देते हैं, जब तक ये पकता है तब तक हम अपनी सूजी को देख लेते हैं। तो सूजी हल्की सी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल देंगे, इससे बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा और इसका जो हमें मिठाई बनानी है वो भी बहुत ही आसानी से बन जाएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, उसके बाद में हमें इसे एकदम अच्छे से मिक्स करते हुए एकदम डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो अच्छे से आप इसे मिक्स कर करके 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से ये डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इससे मिठाई बना लेंगे। तो इसमें से आप छोटी छोटी लोइयां लीजिए और इसे एकदम पेड़े के आकार में बना लेना है। आप इसे थोड़ी सी छोटी या फिर थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं, पर ज़्यादा मोटी नहीं बनाइएगा, थोड़ी पतली ही रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं कैसे बना रहे हैं, बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये। तो यहाँ पे मैंने 2 बना लिया है। इसी प्रोसेस से हमें सभी को बनाना है। आप चाहें तो इसमें कोई डिजाइन भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सी डिजाइन बना रही हूँ। ऐसे चम्मच लिया मैंने, उसके पीछे के पार्ट से ऐसे 4 तरफ मैंने इसे ऐसे प्रेस किया, और ये बहुत ही अच्छे से इसमें डिजाइन बन करके रेडी हो गई। आप कोई सी भी डिजाइन अपने पसंद से बना सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने सभी को ऐसे रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। 5 से 6 मिनट में सारी मिठाई बन करके और रेडी हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं हमारी चाशनी। तो चाशनी भी एकदम अच्छे से उबल चुकी है, ये लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है, इसमें हल्की सी चिपचिपाहट आ गई है, इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, और अब हम अपनी मिठाई को फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिया है तेल, आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है, इसमें मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो तेल मीडियम गरम होना चाहिए और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पका लेंगे एकदम सुनहरा रंग आने तक। तो जितना भी तेल में आसानी से आ जाए उतनी हम मिठाई को डालेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे दोनों साइड से एकदम बढ़िया सुनहरा रंग आने तक पका लेना है। तो आप एक बार जब कढ़ाई में डालिए उसके थोड़ा सा वेट करिए, 1 मिनट के बाद ही पलटिएगा, तुरंत मत पलटिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है। हमें एकदम बढ़िया सुनहरा रंग चाहिए था जो कि एकदम अच्छे से एकदम परफेक्ट ये बन के आ चुका है। इसका कलर आप देख सकते हो, एकदम बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बन करके रेडी है। तो हम सेम प्रोसेस से सभी को बना करके और ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मैंने इसे फ्राई कर लिया है। तो सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ सभी मिठाई यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब हम इसको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी गर्म है, अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। एकदम उबलती हुई चाशनी नहीं चाहिए, पर हल्की सी गर्म हो तो ये बहुत ही जल्दी से सोख लेता है, अपने आप में अब्सॉर्ब कर लेता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने इसे डाल दिया और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बन करके रेडी है। आप इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में सर्व करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे मैंने थोड़े से काजू से गार्निश कर दिया है और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बन करके रेडी है। तो आप इस सीज़न इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक यू।